गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ ताहिर असलम गोरा भाई, वो कनाडा से मिल रहे हैं टू टॉक ऑन कश्मीर इलेक्शंस एंड द इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान। फर्स्ट लेट मी वेलकम हिम। मॉर्निंग ताहिर भाई, वेलकम टू गनर शॉट। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इट्स सो नाइस टू मीट यू। आपके वीडियोस देखते रहते हैं और आपने आज एक वीडियो निकाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान, और वो दैट आई थॉट वाज वेरी नाइस। यू नो, वेल लेट्स गेट टू व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। जैसे आपको पता है, कुछ ही दिन में कश्मीर के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और उसके साथ साथ यू नो इट्स अ इम्पोर्टेंट इलेक्शन फॉर इंडिया एंड कश्मीर एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। उसके साथ साथ कुछ इफेक्ट्स होने वाले हैं पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के ये बोला जाता है कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर हमारे जहन में है, राइट? ये सब बोलते रहते हैं। एंड इनफैक्ट ये तो मैं काफी साल से सुनता आ रहा हूँ। और वो इसी पाकिस्तान में आज के दिन देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इनफैक्ट ये नहीं पता कि IMF उनको पैसा देगा कि नहीं। ये आज हर दिन एक नया दिन है पाकिस्तान में, क्योंकि उस दिन पता नहीं चलता क्या होगा। और TTP और बलूच वाले तो इनका जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी जो इनका रीढ़ का हड्डी है, उसके अंदर भी कुछ दरार नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को तो कहने की बात ही नहीं है। सो इन ऑल दिस इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन JNK। सो आई वांट यू टू एनालाइज अ फ्यू थिंग्स, आई वांट योर व्यूज ऑन अ फ्यू थिंग्स। पहले तो ये इलेक्शंस का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इलेक्शंस एज यू सी इट, राइट? What will be the impact of these elections on POJK? What will be the impact on the larger issue of Pakistan itself? And then what do you think will be the impact on the Pakistan army? So you can take it from any side you want. Your choice, aapke upar chhod deta hoon. But mote mote taur par hum ye char cheezein agar hum analyze. And then see, of course, we also have to see Pakistan ka khud ka halat kya hai. So I leave it to you because you have been discussing this quite often in TAC TV. And TAC TV ke kehne par main sabko batana chahta hoon. As all of you know, Tahir bhai has got TAC TV. Please subscribe to it. It's a very good channel. It's a very balanced channel, right? And you'll get some good value for what you spend time with listening to him and his guests, because I've always found them to be very erudite and intelligent, unlike others jo masala fenkte hain. TAC TV mein wo kahani maine suna nahi. And he is someone whom I keep repeating, I've been listening for the past 10 to 15 years, much before I started my own channel. With this, Tahir bhai, all yours. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your kind words. और thank you for reintroducing me as well. आपने बहुत सारे इसमें विषय रखे और आपने ठीक उसको analyze किया कि पाकिस्तान के जो अपने इस वक्त हालात हैं, जिस तरह की height of instability we see in Pakistan, never before, honestly. Otherwise, Pakistan is a land of instabilities since its inception. तो मगर ये जो इंस्टेबिलिटी हम आज के समय देख रहे हैं, मेरा ख्याल है नेचुरल आउटकम है जब से पाकिस्तान बना है, वो जो बैड पॉलिसीज हैं उसके साथ गुजरता हुआ। अब भारत के जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं जो आज हमारा ख़ास तौर पर फोकस है, और उन इलेक्शंस का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत में भी उन इलेक्शन का इम्पैक्ट होना है जो इलेक्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। खैर, इन सब बातों की तरफ आने से पहले
आपने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्रंच है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है, बलोच इंसर्जेंस, टीटीपी के अटैक्स, इन सब से जो खौफनाक इस वक्त चल रहा है वो तो पीटीआई, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी है, उसके जो डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, जिस तरह वो अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं। आपने दो दिन पहले देखा कि पार्लियामेंट के अंदर आईएसआई के लोग जिस तरह आए और एमएनएस को, पीटीआई के एमएनएस को उठा के ले गए, बिजली बंद कर दी उन्होंने ताकि वो जो सिक्योरिटी कैमराज में उनके कम से कम चेहरे आए। सर, बीइंग सर्व्ड इन इंडियन आर्मी एट अ हायर रैंक, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या किसी देश की आर्मी अगर इस लेवल पे देश की पॉलिटिक्स पे उतर आए तो उस देश का क्या हाल होगा। अब तो पाकिस्तान के वो जो हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं अफगानिस्तान से डायरेक्ट डील करूंगा। उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम ये पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, और ये बात नहीं नहीं वो कह रहे, बलोच भी ये बात कह रहे हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं। अब ये वो केपीके के लोग हैं, पठान जिनको कहा जाता है, जिन्होंने पहली इंसर्जेंसी करवाई थी कश्मीर के अंदर, आपको याद होगा, ये जब लोग आए तो पाकिस्तान आर्मी की शह पे। तो अब इनको आइडिया हो रहा है कि भारत के तो जम्मू कश्मीर में भी स्मूथ तरीके से इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी जो फेडरल इलेक्शन हुए थे भारत के, उसमें भी जम्मू कश्मीर में से, खासतौर पर कश्मीर की वैली में से, वो लोग जीते जो जेल में भी थे, उनमें से एक आदमी तो इंजीनियर ऋषिद। अच्छा, तो अब देखिए भारत में जो माइंडसेट जम्मू कश्मीर के अंदर रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि 5 अगस्त 2019 की रेवोकेशन आर्टिकल 370 35A के बाद वो एकदम से टोटली ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, मगर बहुत चेंज हुआ है। अभी भी जैसे ये इंजीनियर रशीद की बात हम कर रहे हैं, या अभी भी जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अब आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें भी ये लोग जो पुराने सेपरेटिस्ट थे या जो थोड़े से प्रो पाकिस्तान हुआ करते थे, जैसे मिस्टर सज्जाद लोन और लोग, महबूबा मुफ्ती और ये लोग भी, मुझे हमेशा से फील होता रहा कि जैसे दोनों तरफ खेलते रहे, पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी। तो ये लोग, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि भारत के जम्मू कश्मीर इलेक्शन में ये टोटली कोई 360 का एंगल बना के चेंज हो जाएंगे, बट वी कैन सी देयर चेंज इन द डायरेक्शन। एटलीस्ट उनको ये बात पता चल गई कि ये जो इतना इनस्टेबल पाकिस्तान है, इसके साथ हम नहीं चल सकते। तो धीरे 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 वो भी अब पब्लिक कंजप्शन के लिए 360 पे चेंज नहीं होंगे, धीरे धीरे वो भी जो भारत, नया भारत है जम्मू कश्मीर में, मैं कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर का नया भारत है, उसके साथ वो भी धीरे धीरे मुझे लग रहा है बदल रहे हैं। देखिए ना, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, ये कोई छोटी बात नहीं है सर, वहां तो आए दिन हड़तालें हम सुना करते थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स कंट्रोल इन जम्मू कश्मीर अफेयर्स। अच्छा, उसका बड़ा कारण जो है वो पाकिस्तान के अपने सर्कमस्टांसेस है। अब जो हमारा बेसिक मुद्दा है कि अब जो जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट तो नहीं कहना चाहिए, यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं, प्रॉबली 18 सितंबर से अक्टूबर 1 तक 3 phases में वो इलेक्शन है, तो उससे पाकिस्तान के सिर्फ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें ही ये फीलिंग नहीं होगी, महरूमी की फीलिंग वो पूरे पाकिस्तान में होगी। पूरा पाकिस्तान ये फील कर रहा है जनता की लेवल पे कि भाई हम जिस कश्मीर के लिए अपनी टाई टाई करते रहे, उस कश्मीर में तो फेडरल इलेक्शन भी रिसेंटली बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और भारत की सरकार ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। अब ये जो अपकमिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है उसमें भी बड़ी गहमा गहमी है, और पाकिस्तान में तो इलेक्शन होते भी हैं तो वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 की डिबेट ही खत्म, लड़ाई में चल जाता है, ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान में तो हमारी वो पंजाबी एक्सप्रेशन है, धुरलू चल जाता है।
पता ही नहीं चलता, वो रेगिंग इस लेवल की होती है कि सर पीट के बैठ जाते हैं, रेगिंग नजर भी आ रही होती है, आप कुछ करने के काबिल भी नहीं होते। तो ये जो भारत की जम्मू कश्मीर असेंबली में, मैं कहूंगा अभी फेडरल इलेक्शन ने ही पाकिस्तान पे इम्पैक्ट डाला है। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे वो तो और इम्पैक्ट डालेंगे, उनमें एक जिसे वो पाकिस्तान वाली कहते हैं एहसास महरूमी, वो जो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है वो इतना शदीद होगा, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए पाकिस्तान की आर्मी पे क्या इम्पैक्ट आता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे कितना सेट पटाते हैं, ये तो बातें बात की है, साइकोलॉजिकली इतना बड़ा डेंट है पाकिस्तान के समाज में और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए जो पार्टीज ये सब गवर्नमेंट चला रही हैं वो भी समझती हैं, पाकिस्तान में जो पार्टीज गवर्नमेंट चला रही हैं वो भी समझ रही हैं कि आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की ये जो इंटरफेरेंस है ये बहुत बदमाशाना है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहे। वो पहले बोलते थे जब वो अपोजिशन होते थे, अब पीटीआई अपोजिशन में है वो तो खुल के जैसे जंग लड़ रहे हैं। तो अब नॉट जस्ट इन पीटीआई, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान की जनता ये सोच रही है कि भाई हम किस जम्मू कश्मीर पे कब्जे की बात करते रहे, वहां पे तो हर चीज स्मूथ चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, इश्यूज रहते हैं वहां पे, एक समाज है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और उसमें बहुत सारी वो हम देखते हैं मतलब वो बैगेज चला रहा है पाकिस्तान का, वो सारे का सारा अभी टोटल खत्म नहीं हुआ, उसको समय लगेगा। अब भारत के जो कमेंटेटर्स कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं विद इन भारत कि जी ये क्यों खत्म नहीं हुआ आर्टिकल 370 के बाद, वो भी कोई जैसे कहते हैं ना अलादीन का चिराग ढूंढ रहे हैं कि ये रातों रात खत्म हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जो मैस 70 इयर्स का था उसको कंप्लीटली जाते जाते 10-20 साल तो लगेंगे, अभी तो सिर्फ लेट्स शुरुआत है। तो इन 5 सालों में वहां पे मैं समझता हूं कि भारत की सरकार ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, चीजों को पहले स्टेबलाइज किया जितना हो सकता था, फिर फेडरल इलेक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन हुई, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड होंगी जो नहीं अच्छी लगेंगी लोगों को, बट हमें देखना है कि जो पहले जम्मू कश्मीर में होता था, जम्मू कश्मीर में पहले भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते थे, वो तो मतलब उसमें आपको पता है सेपरेटिस्ट हड़ताल किया करते थे, लेकिन अब सेपरेटिस्ट भी जमहूरियत के रास्ते पे आए हैं। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो मेन धारे से मिल रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो भारत के जमहूरी सिस्टम को थोड़ा सा मिसयूज करेंगे फॉर द टाइम, लेकिन ये सब चलेगा और ये जो ऑटो करेक्शन होगी ये इसी तरह चलते चलते होगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप कान मरोड़ दें, शिकंजा डाल दें जिस तरह पाकिस्तान में होता है, हर चीज को अपनी मर्जी से मैनूवरिंग कर ले। भारत ना तो ऐसा सोचता है ना ऐसा करता है, और मेरा ख्याल है दिस इज अ रोड टू सक्सेस। बांग्लादेश में हमने देखा कि बांग्लादेश में चाहे हसीना शेख की सरकार हो चाहे ये सरकारें जो नई आई है कि किसी में भी समझ बूझ ठीक से नहीं रही, मगर भारत में डेमोक्रेसी इन ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेसी है और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे। अभी हम जम्मू कश्मीर भी देखेंगे, हो सकता है कई प्रो सेपरेटिस्ट भी जीत जाए, लेकिन प्रोसेस तो चलना चाहिए और ये प्रोसेस चलेगा तो तभी आगे फिल्ट्रेशन होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इसको पहली अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे है वो सिक्योरिटी इदारों के मोरल के डाउन होने की सूरत में तो है ही है, पब्लिक में साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि भाई ये वो जगह थी जिस पे हम कब्जा करना चाहते थे और हम तो मुंह की खा रहे हैं, हमारा अपना बुरा हाल है और वहां तो हर चीज स्मूथ चल रही है। आई थिंक आपने जो इम्पोर्टेंट बात बोला है वो है कि वहां देयर इज अ सेंस ऑफ डिप्रिवेशन एंड देयर इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, राइट? बिसाइड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे आपने ये एक चीज और बोला है कि यू नो देयर इज ऑलमोस्ट अ पॉलिटिकल रिवोल्ट विद इन पाकिस्तान आज के दिन, राइट? खास करके केपी के, इनफैक्ट वो चीफ मिनिस्टर को ऑलमोस्ट अबडक्ट भी कर दिया है। आई मीन इट ये सब ये पहले भी हमने कभी पाकिस्तान में सुना नहीं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और सिटिंग एमएनएस को उठाना है रात को, यू नो दैट वी हैव नॉट सीन।
It indicates a huge problem between the army and PTI. उसके साथ साथ within the army also there is a problem. वो ये है कि ये जो जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल चलने वाला है वो मामूली कोर्ट मार्शल नहीं है. और उसके साथ साथ जो हमें यहाँ तक कवर मिला है कि इनके साथ साथ बहुत ऑफिसर्स को इन्होंने दफा कर दिया, वो जो भी करना है वो दे हैव बीन कोर्ट मार्शल्ड और डिसमिस्ड, और इवन लेडीज हैव बीन यू नो टेकन टू टास्क इन दैट, ऑफिसर्स वाइफ्स एंड ऑल दैट. सो एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, आई थिंक ही कम्स अक्रॉस अ समवन हु इज नॉट वेरी क्लियर एंड इज नॉट कॉन्फिडेंट कि वो कर क्या रहा है. और उस हालत में हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने जाके बोल दिया कि पीएजे के वालों को दोबारा, इट्स अ स्लो प्रोसेस विच आई सी इज अनफोल्डिंग, कि अगर आप चाहते हो तो यहाँ आके मिल सकते हो. एंड दिस इलेक्शन एंड दिस काइंड ऑफ अ ट्रबल इन पाकिस्तान एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट कि पीओजे के में, इस पीओजे के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया कि वहां जो फीलिंग है इज काफी एंटी पाकिस्तान एट दिस पॉइंट एटलीस्ट वो 3-4 months back. Will that get reignited? Will we see issues coming up in POJK? जी देखिए, पाकिस्तान के एंटी जो फीलिंग है POJK में वो तो है ही है. इंटरेस्टिंग बात ये कि जो पाकिस्तान की मेन लैंड है, नॉट ओनली जस्ट बलोचिस्तान या ये KPK का खैबर पख्तूनख्वा का कूबा सूबा, इवन सिंध, इवन पंजाब, उनमें अब एंटी पाकिस्तान फीलिंग है. अब जो POJK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसका जो मिक्स एनवायरनमेंट है, पंजाबी और पठान, पश्तून और पठान कल्चर का मिक्स है वहां पे. तो जब इतनी इंस्टेबिलिटी पश्तून प्रोविंस में होगी और इटसेल्फ पंजाब नाउ, वो जब इतना करेगा फील करेगा, मतलब पंजाब में PTI की काफी बड़ी अक्सरियत है. एक बार पश्तून लीडर वली खान ने अपनी बुक में लिखा था कि पाकिस्तान में तब चेंज आएगी, वो अच्छी होगी या बुरी होगी, इस पर उन्होंने डिबेट नहीं की थी, जब पंजाब जागेगा. तो अब तो पंजाब भी जाग गया है. अब तो पंजाब वाले लोग भी, मोस्टली पंजाब जो पाकिस्तान आर्मी है वो पंजाबियों पे वो कंप्राइज करती है, तो वो तो अब अपनी ही पंजाबी आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं. तो वो जो एंटी स्टेट है, वो सिर्फ जब आर्मी के वो खिलाफ बात करते हैं तो वो इनफैक्ट वो अब स्टेट के खिलाफ ही बात कर रहे हैं. वो वही कह रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान ने 70s में या लेट 60s में कहा था कि भाई इनफ इज इनफ. तो अब ये जो सिचुएशन है प्रिसाइजली POJK में, तो वो तो बहुत ऑलरेडी, हमने जैसा पिछले महीनों आपके साथ मैंने एक शो भी किया था जिसमें जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, फिर उन्होंने उनको दबा लिया किसी तरीके से, थोड़ा सा उनको अंडर द कारपेट कर दिया, लेकिन वो फीलिंग्स और ग्रीवियंसेस और सेंस ऑफ डेप्रिवेशन वो तो वहां पे एज इट इज है. और वो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन और बढ़ती है जैसे जैसे भारत के जम्मू कश्मीर में प्रोग्रेस होती है, जैसे जैसे भारत के जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे जैसे वहां का पॉलिटिकल प्रोसेस फेयर तरीके से चल रहा है, तो वहां पे ये एहसास और पकड़ता है कि भाई हमने इस पाक आर्मी के कहने पे ये सब कुछ किया, जहाद किया, हमने बच्चे मरवाए, भारत इन्फिल्ट्रेशन की, इन द एंड हमें क्या मिला? हमें तो आटा भी नहीं मिलता, हमें तो बिजली भी नहीं मिलती, और वहां पे तो सब कुछ हो रहा है, टनल्स बन रहे हैं, सारे प्रोग्रेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सो मच सो इलेक्शन चल रहे हैं. जो भारत की सेंटर की सरकार के साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनका डिसिडेंट है, जिनके हैं, वो भी सिर्फ वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए वो नजरबंद हुए थे, अदरवाइज वो भी फ्रीली अपनी बात करते, कोई उनको उठा के नहीं लेके जाता. तो वो फिर ये सारी की सारी चीजें कंपाउंड होके एंटी पाकिस्तान के तौर पर सेंटीमेंट्स बनते हैं, भारत पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी, नॉट जस्ट इन दैट एरिया, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान.
और ये जो है ना वो एक दफा बेनजीर ने एक दफा कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ रिवेंज. अब जो भारत की डेमोक्रेसी का स्मूथ प्रोसेस है वो एक तरह से रिवेंज है जो पाकिस्तान ने टेररिज्म भारत पे इन्फ्लिक्ट की, वो उसका रिवेंज है. भारत तो अपने तौर पर नेचुरल तौर से कर रहा है, वो तो शायद रिवेंज के तौर पर भी नहीं कर रहा. दे आर नॉट डूइंग एज अ रिवेंज, दे आर डूइंग इन अ स्मूथ वे, इन अ नेचुरल वे, द वे भारत इज. लेकिन उसका जो आउटकम है वो एक तरह से रिवेंज है पाकिस्तान के लिए. मैं पॉजिटिव मीनिंग में ये बात कर रहा हूं. वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, और खास तौर पर जो पहाड़ी कश्मीरी लोग हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो कहते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स अभी भी हैं जम्मू कश्मीर में, दे आर वे बेटर ऑफ देन अस. तो हम किस रियासत के साथ फंसे हुए हैं? और वो एंटी स्टेट जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली वो और से और बढ़ रहे हैं. जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है. ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है. या आई एग्री विद यू. नाउ लेट्स स्पेंड अ लिटिल टाइम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर? जी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से ऑलरेडी दे आर इन ट्रबल, I mean, कहने के लिए we have reiterated. How do you think they will react, and what do you see Pakistan army doing about this whole story? क्योंकि I'm not looking कि ये will they interfere in elections. They will or might not. That's something we will handle. But long term effect क्या होगा? ये थोड़ा let's look ahead. देखिए, पाकिस्तान army है जो लाखों लोगों पे, लाखों सोल्जर्स हैं उसमें, परहैप्स 6 लाख 7 लाख बताया जाता है, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नंबर. या अबाउट 7 लाख. जी, तो अब ये जो आर्मी है ये भी तो अपनी फेस सेविंग चाहेगी ना. हमने पिछले दिनों देखा कि आर्मी ने कई ऐसे काम किए, जैसे खासतौर पर जम्मू कश्मीर में कुछ इन्फिल्ट्रेशन करवाने में, जम्मू के इलाके में करवाने में कामयाब हुए थे. वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन थी. आफ्टर ऑल, जब 7 लाख लोगों की आर्मी है तो उनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भी हैं, जो भले से मांगे तांगे के हैं, भीग के हैं, बाहर से लिए हुए उधार के हैं, मगर पैसे तो हैं ना उनके पास. तो उन पैसों से वो क्यों ये कर रहे थे? डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे पाकिस्तान की जनता को. वो जहाद के जहादे कश्मीर की तरफ लगाना चाह रहे थे. अच्छा, पाकिस्तान आर्मी पे कई प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर ये है, अमेरिकन का भी, अरब का भी, कि भाई तुम कश्मीर में अब मैस नहीं करोगे, करोगे तो हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे. क्योंकि अरब की भी इन्वेस्टमेंट है भारत के साथ बढ़ती चली जा रही है, और अमरीका की भी शराकतदारी भारत के साथ बढ़ती चली जा रही है. तो दोनों जो है, यूरोपियन यूनियन भी, वेस्टर्न वर्ल्ड भी और अरब वर्ल्ड भी, ये पाकिस्तान के हवाले से पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उस तरह की बदमाशी करे. तो इसलिए पाकिस्तान उस तरह की बदमाशी नहीं कर पा रहा, वन. सेकेंडली, मींस वो नहीं है. थर्डली, पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इंस्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान आर्मी को सांस ही नहीं मिल रही कि वो भारत में अपनी नेफेरियस जो एक्टिविटीज पहले किया करते थे उस लेवल की कर सके. फिर उन्हें इंटरनेशनल बरादरी को भी ये इश्योरेंस देनी है कि भाई, चूंकि उनसे पैसे लेने, कि भाई आपसे हमने वादा किया हुआ है कि हम कूल डाउन करेंगे, इसीलिए सीज फायर रिलेटिवली कामयाब चल रहा है. अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अब जो आपका बुनियादी क्वेश्चन है कि वो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे? इंटरनेशनल प्रेशर भी है, जनता का प्रेशर भी है, मगर वो डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं. उन्होंने बहुत कोशिश की पिछले कुछ महीने, क्योंकि पिछले 6 महीने में राजौरी में, डोडा में बहुत अटैक्स हुए हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन ही है. हाँ, वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, वो सक्सेसफुल नहीं हो सके. चूंकि पाकिस्तान की जनता अब वो कश्मीर में जो कुछ उन्होंने राजौरी में या जम्मू में जो कुछ किया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अपने मसाइल, बिजली, आटा, पानी, महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लोगों को उठा के ले जाना, वो इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तानी जनता का अब इंटरेस्ट कश्मीर से खो चुका है. अब वो जो कश्मीर का चूरन पाकिस्तान आर्मी बेच रही थी वो खो चुका है. अब फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी?
अब पाकिस्तान आर्मी देखिए, आर्मी तो ट्रेंड होती है किसी भी देश की वॉरफेयर्स के लिए, उस तरह की स्ट्रेटजीज के लिए। ये जो बारीक बातें हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पाकिस्तान आर्मी ने वो भी अपने हाथ में रखे हुए, दे आर नॉट ट्रेंड फॉर दैट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उसमें फिर ये मैस करते हैं। जब ये इस तरह की हमाकतें करेंगे और करेंगे, ये बासु आएंगे नहीं, ये और मैस करेंगे। जैसा ये आजकल मैस बहुत हाइट पे पॉलिटिकल चल रहा है, केपीके वाले नाराज हैं। मैं अभी एज ऑफ नाउ ये तक खबरें सुन रहा हूँ, दो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से कि आइदर पाकिस्तान के उस केपीके प्रोविंस में गवर्नर राज हो सकता है, और ये भी खतरा है कि डाउन द रोड पूरे देश में मार्शल लॉ लग जाए। तो जब वो इतने मैस में खुद फंसे हुए हैं, तो भारत के खिलाफ वो रिएक्ट क्या कर पाएंगे? करना तो चाहेंगे मगर कैपेबिलिटी नहीं है। भारत, आपने कहा कि भारत के जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में ये इंटरफेयर करने की कोशिश तो ऑलरेडी कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन वो भारत उसको हैंडल कर लेगा, बट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू इंटरफेयर एट दैट लेवल व्हाट दे यूज्ड टू बी फ्रॉम 90s अंटिल 2015 तक भी। 1990 जब पंडितों का एग्जोडस हुआ, फिर 2015 तक भी जब महबूबा मुफ्ती की शायद 2016-17 में सरकार थी बीजेपी के साथ, तब तक भी ये कुछ ना कुछ प्ले अराउंड करते रहते थे। लेकिन जब से वो महबूबा मुफ्ती की सरकार गई, फिर बाद में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, तब से भारत का जम्मू कश्मीर और भारत का एटीट्यूड भी चेंज हो गया टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आर्मी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम होती चली गई इन टर्म्स ऑफ इंटरफेयरिंग इन जम्मू कश्मीर। बस एक ही रह गई कि भाई जहां कहीं ये टेररिज्म करवा सकते हैं वो करवा लेते हैं। वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे जी, वो तो क्योंकि जो अभी निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है कि ये जितना इन्होंने पिछले 6 महीने में डोडा, जम्मू और कठुआ और रजौरी में जो भी इन्होंने अटैक किया है, ये हमारा जो ट्रूप मूवमेंट टुवर्ड्स चाइना है उसके साथ जुड़ा हुआ है किसी हाल कुछ हद तक तो इसमें जो भी कश्मीर में होगा ये चाइना के ऊपर भी असर होगा। और मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल हिसाब से, चाइना सीधा कुछ नहीं करेगा, चाइना जो भी करेगा वो पाकिस्तान आर्मी के थ्रू ही करेगा। सो पाकिस्तान आर्मी इज अंडर प्रेशर ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम कि भाई कश्मीर हम लेके रहेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ये जीते हैं, इसी के ऊपर ये मरते भी हैं, राइट। और अभी चाइना का प्रेशर भी है कि यहां से अगर कुछ करो तो हमारे ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम घट जाएगा। सो इन दिस होल स्टोरी, एंड आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया विच प्रोबेबली I could have missed, but I wrote it down the moment you said it. Is that Pakistan Army does not have the support of people for Kashmir. My view is today Pakistan Army probably does not have the support of people of Pakistan for Pakistan itself. So if this support falls even more, I don't know whether Pakistan itself will survive. I would like your views on this. देखिए, हमने मतलब आपने और मैंने आप ही के शो में इस पे कई बार बात की। अभी मैंने 6 महीने पहले, साल पहले भी आपके शो में भी, संजय डिक्सिट के शो में भी कहा था। आपको याद होगा 2 साल पहले ये बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब इमरान खान को ये अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उसकी नई सरकार गई थी, तो लगता था कि वहां पे स्टेट रिट ही खत्म हो गई है। अब इन्होंने, आर्मी ने ये जरूर किया कि अपनी स्टेट रिट को किसी तरह से वहां पे रिटेन किया है, लेकिन वो चूंकि फोर्सफुली है, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ब्रूटल है, वो स्टेट रिट भी नहीं चलेगी। उसी स्टेट रिट की वजह से, फोर्सफुल स्टेट रिट की वजह से जो आप और मैं कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान में ही इंटरेस्टेड नहीं है। पहले भी ये पाकिस्तान छोड़ना चाहते थे लेकिन अब भी ये छोड़ना चाहेंगे। अच्छा, एक बात हमें और जेन में रखनी चाहिए, पाकिस्तान आर्मी कोई अलग से एलियंस नहीं है, ये वो पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान की जनता का हिस्सा है।
जनता के हिस्से हैं जी. अच्छा, माइंडसेट बाय द वे पूरी जनता का ऐसा ही है जैसा पाकिस्तान आर्मी का है. फर्क ये है कि जनता के पास गन्स नहीं होती, इनके पास गन्स होती हैं. और इनके पास, आर्मी के पास जो गन्स होती हैं, वो दूसरों के अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए तो होती नहीं है, वो अपनी ही जनता पे तानने के लिए होती है. तो इसलिए ये टेंशन आ रही है. वो जनता ये कह रही है कि तुम हमसे ही हो और अब तुम हमारी ही गन्स हमारे ऊपर तान रहे हो. तो ये है वहां का इशू. ये नहीं हुआ कि जनता कोई वेल अवेयर्ड हो गई है. हाँ, जनता को ये एहसास जरूर हो रहा है, खासतौर पर भारत को देखते हुए, क्योंकि भारत उनका मतलब नेबरिंग कंट्री है और भारत के कल्चर से वो खुद आए हैं. भारत से वो जितना चाहे डिनाई करे जनता पाकिस्तान की, वो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं. तो इस सारी सिचुएशन में उनको जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन उनका बढ़ रहा है, वो भारत की प्रोग्रेस. अब देखिए ना, भारत में क्या कुछ नहीं हो रहा. वो सेमीकंडक्टर तक बनाने का काम जो था वो अब भारत के जिम्मे आ रहा है. 20% लगता है दुनिया की जो सेमीकंडक्टर्स होंगे वो अगर वो अकेले भारत में बनेंगे. नहीं नहीं एक और मैं आपको खबर देना चाहता हूँ. आज ही मैंने ये चाइना के न्यूज़पेपर में देखा मैंने कि आईफोन 16 जो है वो अभी चाइना में नहीं बनेगा, वो भारत में बनेगा. भारत में बनेगा वो, तो वो वहां बंद और यहाँ शुरू. तो ये धीरे 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 एप्पल का पूरा कारोबार यही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू एड टू व्हाट यू सेड. आप बोलिए. जी जी सर, बिल्कुल. तो आपने एक और भी पॉइंट उठाया था पीछे अपनी बातचीत में कि क्या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान आर्मी को कहे कि ये सब कुछ करे. चाइना खुद पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता. चाइना को ये बात अच्छी बात है. ठीक. चाइना को तो ये मालूम है कि ये पाकिस्तान आर्मी भारत को क्या कंट्रोल करेगी. ये तो टीटीपी और बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं, जो चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, ये तो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो चाइना हैज ऑल्सो लॉस्ट ट्रस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट ट्रस्ट इन पाकिस्तान. अच्छा, फिर पाकिस्तान आर्मी का हमेशा से वो डबल एजेंट का किरदार होता है. वो चाइना से पैसे भी लेना चाहते हैं मगर अमेरिका का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते. इस वक्त अमेरिका और चाइना की जो कोल्ड वॉर अपनी हाइट पे है, वो आगे बढ़नी है. उसमें पाकिस्तान आर्मी अगर सरवाइव कर गई, पाकिस्तान तो, की स्टेट सरवाइव कर गई, तो वो अमेरिका के साथ जाएंगे. इसलिए कि चाइना से जो कुछ मिलता है उनको, वो उनके ऊपर इतना बड़ा लोन होता है, उनके उनके गले में फंदा होता है चाइना का. अमेरिका तो पैसे दे के भूल भाल जाता है उनको. और वहां से जो पैसे आते हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स जो बड़े बड़े पाकिस्तान के हैं, वो कुछ खा भी सकते हैं उसमें से. चाइना से जो पैसा आता है वो उस तरह रेल पेल नहीं होती. तो जो पाकिस्तान का नेचुरल अलायंस है वो इनफैक्ट अमेरिका के साथ ही बनता है. जो मर्जी हम कर लें, पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए कभी कभी चाइना के साथ हाथ मिलाता है और चाइना को ब्लैकमेल करने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाता है. अच्छा, ये गेम अब दोनों बड़ी पावर्स जानती हैं. अच्छा, इन द एंड क्या होता है और क्या होगा, वो ये कि अल्टीमेटली पाकिस्तान विल अलाइन इटसेल्फ विद अमेरिका. ये पक्की बात है क्योंकि अमेरिका इज नॉट जस्ट अमेरिका, उनके साथ यूरोपियन यूनियन है, अरब देश है. तो पाकिस्तान को तो उनसे ही पैसा लेना है. नेचुरल इकॉनमी तो पाकिस्तान की ना है और ना बन पाएगी. चाइना से जो पैसा आता है वो ऑक्सीजन रुक जाती है क्योंकि चाइना का ये स्टाइल नहीं है कि वो खुली ऑक्सीजन दें आपको. थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेंगे इस खेल में. वो मैं ये नहीं कहता कि चाइना से ये बिल्कुल कट जाएंगे, कुछ ना कुछ चाइना के साथ भी जुड़े रहेंगे. नहीं, कुछ चलता रहेगा क्योंकि चाइना से ये काफी पूरा देयर कंप्लीट एयरक्राफ्ट, शिप्स, टैंक्स, गन्स, ये सब तो चाइना से आता है. ये खरीद रहे हैं या जो भी कर रहे हैं इनका, तो वो कनेक्शन है इनके साथ. तो वो चाइना के साथ घटेगा नहीं. और यूएसए के साथ तो इनको पैसा चाहिए, आईएमएफ से पैसा चाहिए, तो यूएसए का बोलबाला नहीं तो इनको पैसा भी नहीं मिलेगा. तो ये तो चलता रहेगा. आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो. आई वॉन्ट टू टर्न दिस टॉक ऑफ अस टू बांग्लादेश, इफ यू डोंट माइंड. राइट, श्योर. क्योंकि आज
you know, today I see a lot of Bangladesh people and Pakistanis on the show. Oh, you know, kaafi comment kar rahe hain. In fact, I see less questions from people who normally attend, more comments from Pakistanis and Bangladeshis, but that's okay. What does Bangladesh have to learn from Pakistan? Kya seekh hai Pakistan se? Kyunki Bangladesh ka halat abhi to unka revolution chal raha hai, wo abhi tak kuch sudhar nahi hai andruni halat unka. Par ye ja rahe hain towards China. और वापस ये पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं कि भाई हमें हथियार दे दो, हमें वेपन्स दे दो, और वो सुलह करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ. इन सब चीज के लेना, इनका क्या सीख लेना चाहिए फ्रॉम द पाकिस्तान केस विच वी आर डिस्कसिंग. मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत ही रिसेंट इंटरव्यू है, बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड सीईओ है डॉक्टर यूनस का, विद जर्मन टीवी डीडब्ल्यू के साथ. डीडब्ल्यू, ओके. हाँ, अभी मैंने देखा, अभी वो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने इंटरव्यू किया, चंद घंटे पहले. तो इंटरव्यू करने वाले ने पूछे उनसे कई सवाल, और भारत के हवाले से जब उन्होंने पूछा कि भाई भारत के साथ अब कैसे रिश्ते नाते जोड़ेंगे बांग्लादेशी, जबकि बांग्लादेश में एंटी भारत एक एनवायरमेंट चल रही है. इवन जो ये जो सीईओ है डॉक्टर यूनुस, उनको भी ये मानना पड़ा. उन्होंने कहा कि हम भारत के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर भारत के साथ ही है. तो हम, उन्होंने कहा कि ये जो थोड़ी बहुत चीजें चल रही हैं ये चलेंगी, लेकिन भारत के साथ हम रिश्ते नाते तोड़ने की पोजिशन में नहीं है. अच्छा, ये बात वो मिस्टर डॉक्टर यूनुस भी मान रहे हैं. अब चाइना के साथ वो प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश में, आपने बात की बांग्लादेश क्या सीख रहा है पाकिस्तान से, बांग्लादेश ने कुछ सीखा था पाकिस्तान से और वो भूल गए. हाँ, ये नहीं, मैं आपसे गुजारिश यही है जी, ये इसको थोड़ा दोहराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में बांग्लादेश इज सफरिंग फ्रॉम एमनीशिया. वो भूल चुके हैं कि पाकिस्तान क्या था. और तो जी, प्लीज जी जी सर, वही वही मुझे साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के बैड गवर्नेंस और बैड सिस्टम से ये सीखा था कि हमें ये वाला निजाम नहीं चाहिए, हमें इस्लामाइजेशन नहीं चाहिए, हमें इतनी बैड गवर्नेंस नहीं चाहिए. ऑल्दो बांग्लादेश में हम 1971 से अब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही देखते रहे हैं. उसके जो फाउंडर थे उनको भी 75 में बांग्लादेश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने मार दिया था, मार दिया, और वहां पे कभी भी कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं रही. लेकिन समहाउ अवामी लीग मैनेज करती रही, खास तौर पर एटलीस्ट इस्लामाइजेशन को कंट्रोल किया जाए, किया उन्होंने. फिर उन्होंने जमहूरियत के सफर को थोड़ा आगे लेके चले, मगर गलतियां उनसे भी बहुत हुई. अवामी लीग ने भी करप्शन की और पावर जो है वो इतना, उन्होंने भी दे डिडंट डू वेल एज वेल, उसका भी रिएक्शन हुआ. अब मिस्टर सीईओ जो है डॉक्टर यूनुस, वो बार बार एक बात जोर देते हैं कि जी रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, व्हाट द हेक दिस रेवोल्यूशन इज, केओस है, ये रेवोल्यूशन थोड़ी होता है. जो कुछ वहां पे हुआ ये रेवोल्यूशन नहीं था, ये केओस था और अभी तक केओस चला आ रहा है. खासतौर पर जो हिंदू माइनॉरिटीज है वो बेचारे पहले तो कोई 20-23% होते थे, घटते घटते 8-9%, अब सुना उससे भी कम हो गए. उनके साथ जो हॉरिबल वीडियोज और न्यूज आ रही है ट्रीटमेंट की उनके खिलाफ, वो दुख होता है. आज डीडब्ल्यू ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि भाई क्या, तो डॉक्टर यूनुस ने यही कहा कि हाँ हम मानते हैं कि ये अफसोसनाक है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन का आउटकम है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगी. अब पता नहीं वो क्यों रेवोल्यूशन इसको फैसिनेट कर रहे हैं. रेवोल्यूशन वो जो ईरान का था खमीनी के जमाने का, वो भी केओस था, कोई रेवोल्यूशन नहीं था. रेवोल्यूशन दुनिया में अब आया नहीं करते, दुनिया में अब वो जैसे होता है ना, वो ऊपर से नीचे ही चेंज हो जाता है सब कुछ. अब केओस होता है, इस केओस में से रास्ता निकालना है. अब जो डेमेंशिया की बात मैंने की, अब मैं उस पर जरा थोड़ा और फोकस करता हूं. अब इस वक्त जो बांग्लादेश की सिचुएशन है,
अगर वो जैसा कि इस्लामाइजेशन को एक बार फिर हवा दे रहे हैं, पाकिस्तान से रिश्ते नाते बढ़ा रहे हैं, साथ साथ सीईओ ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो हमेशा रहेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत के साथ है, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन वो उस बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के दो दुश्मन देशों के साथ भी प्यार की पींगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आई मीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो ऑफकोर्स जो आपके मतलब ये ऐसे ही है कि मेरा जो हमसाया है वो मैं उसका उसकी दीवार को छोड़ के, दीवार को फलांग के तो दो दूसरे घरों में जाऊं जो दुश्मन है हम दोनों के, इनफैक्ट मेरे भी और मेरे हमसाये के भी, और उनसे मैं प्यार की पींगे बढ़ाऊंगा तो फिर तो मुश्किल होगी ना, ना मेरा हमसाया चाहेगा और ना मैं चाहूंगा। तो बांग्लादेश की ये जो अब ये जो स्टूडेंट वहां की स्टूडेंट बेस्ड हुकूमत जो है, इनको थोड़ा सा अपने स्टूडेंटशिप से निकल के टीचरशिप की तरफ जाना होगा, कुछ सीखना होगा, वही जो आपका बेसिक पॉइंट है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो देखिए इनकी जीडीपी रिलेटिवली पाकिस्तान से बेहतर थी, इनकी इकॉनमी मच बेटर थी पाकिस्तान से, वो तो ऑलरेडी खुदे लाइन लग गई। ये किस तरह का इनकी इनकलाब आया कि जो कुछ अच्छा हो रहा था वो सबसे पहले तबाह हुआ है। अब चीजें +5% ग्रोथ रेट से नीचे अब जाएंगी, माइनस की तरफ जाती नजर आ रही है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। आज उन्होंने इस सवाल पे भी जवाब दिया, उन्होंने कहा पहले रिफॉर्म्स करेंगे, यानी वो ही जो आर्मी किसी देश पे कब्जा करती है, मार्शल लॉ लगाती है, तो वो उनका यही होता है कि पहले हम ठीक करेंगे फिर इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर डायमेंशिया में चले गए और ये भूल गए हैं मिस्टर सीईओ जो 80 ईयर के हैं, उनसे लेके जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये सरकार बनी हुई है। अगर ये सारे के सारे, मिस्टर यूनस वाज हिमसेल्फ द विटनेस ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ही वाज हिमसेल्फ द विटनेस ऑफ ब्रूटैलिटीज ऑफ पाकिस्तान, अगर वो इतने सीनियर एज के आदमी विटनेस रखने के बावजूद पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, वो देश जिन्होंने उन पे जो जुल्म किया वो एक, दूसरा जो खुद भी स्टेबल देश नहीं है, तो इससे पता चलता है कि मिस्टर यूनुस कितनी इमेच्योर गवर्नमेंट चला रहे हैं। और अगर वो इतनी इमेच्योर गवर्नमेंट चला रहे हैं, अगर उनका इतना ही डायमेंशिया बढ़ता चला जा रहा है, खौफनाक डिजीज बन गया है, तो फिर बांग्लादेश का कोई फ्यूचर नहीं है ऑनेस्टली इन दिस करंट माइंडसेट, इन दिस स्टेट ऑफ डायमेंशिया दे हैव नो फ्यूचर। या दैट्स अ वेरी यू नो एरुडाइट स्टेटमेंट दैट देयर फ्यूचर इज नॉट श्योर गोइंग अहेड। आज ही मैं पढ़ रहा था, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से पढ़ रहा था, 3 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ा कि वहां 23 garment factories are closed 3 days back. Today's news where that has gone from 23 to 116. So, धीरे धीरे उनका, and जैसे आपको पता है, the garment sector was the most profitable sector in Bangladesh. And if that is also going to go, I don't know where their thing is going, because this is a thing which all people who are watching this and all Bangladeshis who are on the show here can take home. Right. Now, let's get back to Pakistan. You know, ये जो पाकिस्तान का problems Durand Line के साथ है और ये Baluch movement के साथ है, do you think this will lead to the collapse of Pakistan army? मुझे 2 साल पहले लगता था कि शायद इतना बुरा collapse नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपके शो में ये बात मान रहा हूँ कि आज मुझे लग रहा है कि कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान लुक्स लाइक इनएविटेबल। उसका कारण ये है कि इस लेवल पे ये लेके चले गए। अब बलोच जो थे ना, वो पहले पहाड़ों पे लड़ते थे, अब वो गलियों मालों में अभी नीचे आ गए, अब वो गलियों मालों में आ गए। अभी अख्तर मैंगल ने जिस तरह रिजाइन दिया, और रिजाइन से पहले 2 इंटरव्यू भी उन्होंने दिए थे, मैंने दोनों सुने, तो उन्होंने कहा, खुल के कहा, ये वो पॉलिटिशियन थे जो सरकार के साथ, पाकिस्तान की सरकार के साथ चलते रहे, इन बेड रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहे,
अभी भी एमएनए थे, रिजाइन किया. आई एम नॉट श्योर कि उनका रेजिग्नेशन मान एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ. अल्टीमेटली रिसेंटली मेरा ख्याल अभी पिछले हफ्ते ही उनको दुबई जाना पड़ा है, बिकॉज उन्होंने खुल के बातें की. उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये अब वो कहते, उनसे एक सवाल किसी ने पूछा कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा. उन्होंने एग्जैक्ट इन दोज वर्ड्स जवाब दिया, वो निकल जाएगा नहीं, वो निकल चुका है. तो अब वही सिचुएशन है कि वहां पे ये सिचुएशन है. अभी केपीके के गवर्नर ने कहा है थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, कि हम अब डायरेक्ट डील करेंगे अफगानिस्तान को, हम पाकिस्तानी रियासत की जो बदमाशी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने यहां तक इनडायरेक्ट लफ्जों में ये बात कह दी, पाकिस्तानी रियासत. अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद गवर्नर राज लगा दें. अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान आर्मी गवर्नर राज लगा देती है, तो डू दे थिंक कि वो वहां पे चीजें कंट्रोल हो जाएंगी? ये तो और खराब होगी. तो वहां पे वो जो पश्तून तहफ़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन है, उनके साथ भी उन्होंने रिसेंटली मीटिंग की है अली अमीन गंदापुर ने. अब ये मंजूर पश्तीन को पाकिस्तान आर्मी हमेशा मुल्क तोड़ने वाले लोग कहते रहे, हालांकि मंजूर पश्तीन ने मुल्क तोड़ने की बात कभी नहीं की. उसने हमेशा ये कहा कि हमारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिले. अब ये एक अलग बात है. मैं आपको ये यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैं ये भी सोचता हूँ, फर्ज कीजिए ये पश्तून पाकिस्तान से अलग होके अपना कोई देश बना लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये भी इतने ट्राइबल हैं, ये भी कोई मॉडर्न देश तो बना नहीं पाएंगे. अच्छा, बलोच शायद अपने देश को मॉडर्न कर लेंगे, उनमें कैपेबिलिटी है, वो अमान के साथ, अरबों के साथ उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, वो शायद कर लेंगे. पश्तून तो ट्राइबल है, अनफॉर्चुनेटली जितना मर्जी पढ़ लिख जाए ये कुछ नहीं मतलब कर पाएंगे. लेकिन फिर बांग्लादेशी जो थे ना, वो कल्चरली और एजुकेशन वाइज मच एडवांस थे. जब उन्होंने बांग्लादेश बनाया था तो उन्होंने एक बेहतर देश की बुनियाद रखी थी. अगरचे उसमें भी वो चीजें ठीक से ना हो सकी, फिर भी कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, दे रैन द कंट्री सक्सेसफुली. लेकिन अब पश्तून जो है, ये एक तरफ पाकिस्तान होगा अगर इनका देश बनता है, तो एक तरफ अफगानिस्तान होगा, दो ही इनके साथ बॉर्डर है. अगर बलूचिस्तान बन गया तो बलूचिस्तान इनका तीसरा बॉर्डर होगा, और कहीं पीछे से जाके बलूचिस्तान से जाके ये अफगानिस्तान से भी इनडायरेक्टली टच कर लेंगे. तो लेकिन इनका जब तक ट्राइबल माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तो भले से ये अलग देश भी बना लें, ये अपने आप इट विल नॉट बी सक्सेसफुल. हाँ, लेकिन ये है कि उनको राइट तो है ना अपनी अपनी आजादी. या कंप्लीट राइट उनके पास है. तो इस सारी सिचुएशन में आज मैं 2 साल बाद फील करने लगा हूं. 2 साल पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान आर्मी अपने आयरन फिस्ट से कंट्रोल रखेगी, पकड़ लेगा. बट टुडे आई डोंट फील दैट वे ऑनेस्टली. अब मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने आयरन फिस्ट को और आगे की बढ़ाया, तो वो दो देश पाकिस्तान से निकलते हुए मुझे तुरंत नजर आ रहे हैं. अगर ये डायलॉग की टेबल पे पाकिस्तान आर्मी ना बैठी, इन्होंने अक्ल और होश से नाक ना लिया, तो ये दो देश तो अलग होते नजर आ रहे हैं. बाय द वे, अगर ये टेबल पे भी बैठ गए ना, तो भी जो ग्रीवियंसेस है वो खत्म नहीं होगी. और फिर पाकिस्तान आर्मी का ये मजाज नहीं है कि ये कंप्रोमाइज कर सके. ये एक मिरेकल है अगर ये कंप्रोमाइज कर सकते. आई विल गिव यू अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. देखिए, किसी रेवोल्यूशन या फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह होने के लिए कुछ हद तक एक पॉलिटिकल मूवमेंट होना चाहिए, कुछ हद तक एक सोशल और पीपल्स मूवमेंट होना चाहिए, और टू अ लार्ज एक्सटेंट वहां कुछ मिलिटेंसी एंड वायलेंस भी जरूरत है, नहीं तो एक देश बनता नहीं है. ये इतिहास है, ये तीनों चीजें चाहिए. अगर आप बलूचिस्तान को ही देखेंगे, तो आई डोंट सी दैट अलाइनमेंट बिटवीन द मिलिटेंट फैक्शन एंड द वायलेंट फैक्शन एंड द नॉन वायलेंट एंड द पॉलिटिकल फैक्शन. इज देयर अ चांस ऑफ दिस हैपनिंग? क्योंकि जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा, बलूचिस्तान will not make any headway to have its own state again in Pakistan.
I want your views on that because you know in ये पश्तून इलाके में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पीटीएम हुआ या अलीम इन गंदापुर एंड पीटीआई एंड वो बाकी पश्तून एंड टीटीपी इनके विचारधारा थोड़ा अलग है वहां मेल होना मुश्किल है पर यहाँ मेल होना का अंदेशा है इसके बारे में जरा बताइए क्योंकि दिस हैज एन इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स. देखिए बलूचिस्तान में पहले यही दिखता था कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी सक्सेसफुल डिवीजन की हुई थी, कुछ लोगों को अपनी गोद में बिठाया हुआ था, पॉलिटिशियंस को, कुछ ट्राइबल सरदारों को, और जो मिलिटेंट थे वहाँ पे या जो वहाँ पे रेबल्स थे वो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे. अब ये हुआ है कि लोग हजारों की तादाद में वहाँ पे मिसिंग हुए, लापता हुए, हजारों की तादाद में ब्रूटली मर्डर हुए. फिर बलूचिस्तान में अब इतनी गुर्बत और महरूमी है. अब मुझे जो इतलात मिल रही है बलूचिस्तान से, जो हमारे बलोच एक्टिविस्ट हैं उनसे मेरे रابطे भी रहते हैं, एज अ जर्नलिस्ट मैं जानना चाह रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है. वो ऑनेस्टली अब जो मुझे बातें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जानों की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है. और यूथ एज इन साउथ एशिया एवरीवेयर इज नंबरिंग मोर देन 50%. अच्छा, तो वो साउथ एशिया, भारत हो, बांग्लादेश हो, हर जगह पे 50% तो यूथ ही चल रहा है इस वक्त, जो 24 साल के बच्चे हैं, 19 से 24 साल के. अब वो पॉपुलेशन उसी रेशियो में बलूचिस्तान में भी है. अब वो यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए तो वो गलियों, मोहल्लों, सड़कों पे अब उतर आए. एक देखिए अभी जो हमने कोई 2 वीक्स पहले देखा, वो एक ऑपरेशन हेयर ऑफ हुआ जो 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 बीएलए ने किया, बलोच लिबरेशन आर्मी ने, वो एक अलग था. जो आम जनता है, जो बेचारी सड़कों पे, जो वो बलोच यकजहती मोर्चा वाले जो लोग हैं, यकजहती मोर्चा वो ये पूरा ग्वादर के में बैठ गए जाके, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मछलियां चाइना जा रही हैं, हम अपनी मछलियां नहीं पकड़ के खा पी सकते, अपना रोजगार नहीं चला सकते. तो उनके ये इश्यूज हैं, उनके इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान इशू नहीं है, मगर अब वो उनके ये इशू हो गए. अब वो ये कह रहे हैं, अब देखिए अख्तर मैंगल और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, यानी आर्मी को और पाकिस्तान की सर, ये जो मेन स्ट्रीम की पार्टी, उनको कह रहे, नॉट जस्ट अख्तर मैंगल, एवरी वन इज, मैं महमूद खान अचकजई, वो बलोच नहीं है मगर ये वो पश्तून है जो बलोचिस्तान में रह रहे हैं. ठीक है, वो सब कह रहे हैं सरकार को, आर्मी सरकार हो या पॉलिटिकल सरकार हो, कि भाई थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड नाउ. ये वो सब बता रहे हैं. अच्छा, आर्मी क्या करेगी? क्या सारी आर्मी उनका मतलब उनके ऊपर अटैक शुरू कर देगी? जिस दिन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक शुरू किया उस दिन बलूचिस्तान बच जाएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आर्मी वहां पे वो मिसाइल फेंके आम जनता पे भी. तो फिर तो जनता उनके दाखले बंद कर देगी ना, फिर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरफेयर करना पड़ेगा ना. इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसर्जेंसी या सेपरेटिज्म को बंद करना है और आर्मी को वहां लगा के बंद करना है जी, कंट्रोल भी करना है, तो पूरा जनता का आपको सपोर्ट चाहिए होता है. हमें हमारा खुद का ये तजुर्बा है जी, इफ यू कुड कंट्रोल और नॉर्थ ईस्ट एंड इफ यू कुड कंट्रोल जेएनके, बिकॉज रेस्ट ऑफ इंडिया वाज विद अस, राइट? इधर आई डोंट सी दैट. यस यस, जो आपने यू नो एक्चुअली टुडे योर मेजर पॉइंट व्हिच यू हैव सेड, यू नो, व्हिच ये मेरे दिमाग में अभी तक चल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ पीपल, इट इज लूजिंग सपोर्ट ऑफ द पीपल, एंड इफ इट लूजेस सपोर्ट ऑफ द पीपल इट विल लूज द स्टेट आल्सो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि 7,250,000,000 के ऊपर तो नहीं हावी हो जाएंगे ना, आफ्टर ऑल जनता तो 250 मिलियन है. यस यस यस, ठीक है. वो फिर आपको आर्मी ऑफिसर्स को उनके घरों से कहा जाता है कि शर्म करो, क्योंकि घर तो जनता के ही है ना, कजन्स, रिलेटिव्स, अंकल, आंट, वो सब कहते हैं कि क्या कर रहे हो. ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन में वो जो एक था कि बलूचिस्तान में जो हमें पहले नजर आता था, रेबल्स, जनता, पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें तालमेल नहीं था, वो अब तालमेल नजर आने लगा है. दे आर कमिंग ऑन द सेम
line now. Ab do hi option hai Pakistan Army ke paas ke wo unki collective voice ko sun ke apne aap ko draw back kar le. Agar wo thoda sa aur andar ghuste hain, aggressive hote hain, the story is finished. Ye to hai Balochistan. Right. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज दो साल के बाद मुझे पहली बार फील हो रहा है कि थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड इन आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ पाकिस्तान या विल अच्छा उधर क्या हो रहा है उधर डिफरेंट थे केपीके में पीटीआई वाले भी पीटीएम वाले भी और तालिबान भी वहां पे भी ये तीनों अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं एक कॉमन एनिमी की वजह से विच इज पाकिस्तान आर्मी Pakistan Army is the uniting force of all these people, all those groups. ठीक है तो वहां पे भी out of control है चीजें तो अब I mean this is a very very you know interesting turning point in Pakistan. ये जो आया है turning point ये within 3-4 weeks हुआ अच्छा ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान फिर ये कहेगा जी कि ये सब भारत ने किया था फलां ने किया था नहीं नहीं भारत क्या कर सकता है अपना क्या है ये तो ये वही है अब बांग्लादेशी बोल रहे हैं कि भारत ने किया है ये भी बोल रहे हैं भारत ने किया तो भारत भारत अगर ये सब कर सकता था तो बहुत अपने लोगों को ही साथ लेके चल सकता था ये तो बेवकूफी है दे हैव टू सी विद इन नहीं भारत को इस बात का क्रेडिट लेना चाहिए कि हाँ जी हमने किया ठीक है नहीं नहीं आई थिंक वी शुड लीव देम फॉर व्हाट दे वांट टू डू उनका खुद का आवाम है खुद का जमीन है हमें दे हैव टू दिस थिंग राइट आई थिंक वी हैड अ टेरिफिक डिस्कशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स वी विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज लॉट ऑफ कमेंट्स लॉट ऑफ ट्रोलिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये एक फीचर नजर आ रहा है मेरे को जब से मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा नजर मोड़ लिया तो दे हैव कम बैक दैट्स ओके दैट्स पार्ट ऑफ दिस थिंग एनी इफ अ इंडियन जनरल टॉक्स अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दे डू फील अपसेट दैट्स ओके दैट्स पार्ट